तो इस वीडियो की शुरुआत ही हो रही है हमारी एकदम लेगी ट्रिप। आज हम शुरू कर रहे हैं, आज हम जिसपा जाके रुकेंगे जो हमारा अभी तक का प्लान है। और आज हमने अपने ट्रॉली बैग्स में अपना सारा सामान ट्रांसफर कर लिया जो कि हमें यहीं पे ही गाड़ी में छोड़ के जाना है। ये रहे ट्रॉली बैग्स हमारे, हमारे पास 1, 2, 3 और 4 हमारे पास ये ट्रैक बैग्स हैं, शायद इनको क्या बोलते हैं, रैकशैक या रक्षक, पता नहीं क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, जो भी जैसे बोलता होगा। अभी हमने सामान एक बार पूरा गाड़ी से निकाल लिया हमने, जो जो हमें फाइनल ले जाना, ये तो है नेसेसिटीज। अभी मैं कपड़े वपड़े तो मैं बता दूंगा, सबने अपने अपने एक दो जोड़ी रख लिया, लेकिन ये नेसेसिटीज हैं। जैसे कि पहली चीज, आपके पास वेट वाइप होना बहुत जरूरी है, और वेट वाइप के साथ साथ आपके पास टिश्यू पेपर भी होने जरूरी है। रास्ते में पानी की अवेलेबिलिटी का पता नहीं है। दूसरा, अपने लिए आपको नहीं पता यार आपको कहाँ वॉशरूम नंबर 1, नंबर 2 जाना पड़ जाए, और वहां पे पानी कितना ठंडा हो या क्या हो, और सर्दियों में तो बहुत जरूरी है। उसके बाद ये तो हो गया टूथपेस्ट, फिर ये सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, आप हर जगह पानी साथ धोना अवॉइड करें, सीधा अपना यही करें बाइक पे बैठे। वैसे हम लोगों ने ग्लव्स भी, ये हमारे पास है वॉर्म ग्लव्स, और मेरे उस रूम में रखे हुए हैं राइडिंग ग्लव्स। राइडर को राइडिंग ग्लव्स ही पहनने चाहिए क्योंकि वॉर्म ग्लव्स में ग्रिप नहीं बनती, और वॉर्म ग्लव्स हमने रख लिए हैं पीछे बैठने वाले के लिए। और ये मैं यहीं से लिए थे थर्मल, क्योंकि बाकी सबके पास बाकी सब थर्मल लाए थे, मैं नहीं लाया था। बाकी थर्मल से बढ़िया, अगर आप जैसे ये मैं टी शर्ट पहन रहा ना, ये मेरी अभी याद आई कि ये वाली मैं ले आया था, बट फिर भी मैंने थर्मल लिया। इस तरह की मैं कोई सबको दे दूंगा, ये भी एकदम वो सिंथेटिक टाइप का कपड़ा है, तो ये जो मतलब आपके किसी कपड़े के अंदर पहन लिया जाए। उसके बाद ये फिर हवा भरने वाली ये जो भी मशीन होती है, एक हमारे पास पंचर किट भी है ना, डिब्बी में छोटी सी डिब्बी है उसकी, ये पंचर रिपेयर किट ले आए थे हम। फिर अपने पास दो तो ऐसे वाली रोप है, ये तो है कि कोई सामान बीच में हमें लेना पड़े तब बांधने के लिए, अदरवाइज हमारे पास बंजी रोप है, मतलब जो आप अभी मैं दिखा दूंगा बाइक पे जब हम सामान लोड करेंगे तो ये बंजी रोप से ही लोड होगा। एक बैग को एक बंजी रोप चाहिए, और कम से कम 2-3 सामान एक बाइक के दोनों तीनों तरफ लेंगे तो एक बाइक पे 2 बंजी रोप लगती है। और ये हमारे रेनकोट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप ये नहीं लेके जा रहे तो आपकी ट्रिप जो है ना, ये रेनकोट और गम बूट्स हम अभी यहाँ पे हमें मिले नहीं तो अभी रास्ते से ले लेंगे, वो चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके कपड़ों में पानी चला गया, आपके जूतों में, आपके सॉक्स में पानी चला गया, तो मतलब ट्रिप जो है ना पूरी की पूरी अनकंफर्टेबल हो जाएगी आपकी। और ये चार पिछले ब्लॉग में भी शायद मैंने दिखाया था, ये चार अलग से छोटे रेनकोट है, लेकिन इसको हम एज अ पॉलिथीन उस टाइप से यूज करेंगे सामान रैप अप करने के लिए अगर बारिश आ गई। और ये तो मेडिसिन रास्ते में चाहिए होगी, इसके अंदर हमने फर्स्ट एड का सामान डाला हुआ। और सारा सामान ट्राई करना कि ऐसे ही पैकेट्स में हो जो कि आराम से एडजस्ट हो जाए, कुछ ऐसा डब्बा ना हो, डब्बा क्योंकि अपना पूरा स्पेस लेता है। उसके बाद दो हमारे पावर बैंक हैं, क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रिसिटी मिले आप इनको चार्ज कर लो, इनसे हम अपने गोप्रो और मोबाइल फोन ट्राई करेंगे, मोबाइल फोन अवॉइड ही करें, सिर्फ जिससे हम शूट कर रहे हैं वही वाला चार्ज करें। सनस्क्रीन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपकी ब्यूटी खराब हो जाएगी, तो हाँ जिसका ब्यूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान है वो सनस्क्रीन जरूर ले ले। मैंने एक गलती करी है, मैं टॉवल मोटे वाला ले आया, वो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। टॉवल पर जैसे होटल में मिला ना ऐसे ही चोरी कर लो, पतले वाले जैसे पग्गा ले रहा ना, हाँ इस तरह का टॉवल बहुत अच्छा। बाकी हमारे कल परसों के कपड़े हैं, ये सब तो हम यही छोड़ के जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको कपड़ों से भी ज्यादा क्या कैरी करना, देखो फैशन करोगे ऐसी ट्रिप पे सारा फैशन निकल जाएगा, आप कहीं टाइम नहीं मिलेगा कपड़े बदलने का। ऊपर वैसे भी आप राइडिंग जैकेट अभी जब हम पहनेंगे ना, राइडिंग जैकेट नीचे राइडिंग पैंट्स, पैंट्स अभी मैं इग्नोर करूंगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसमें मैं लोअर लाया। वैसे पैंट्स के अंदर भी आप इनर पैंट पहन ले बहुत अच्छा, वो आपके प्रोटेक्टर की तरह भी काम कर लेगा, अगर कहीं आप गिर गए तो आपके घुटने नहीं छिलेंगे। सबसे ज्यादा सिर्फ सॉक्स और अंडरवियर भर रखी है ऊपर, अंडरवियर और सॉक्स आप जितनी ले जा सके उतनी ले जाओ, क्योंकि सॉक्स ऐसा भी हो सकता है आप जितनी बार भी कोई पानी वाली चीज रोड पे रिवर क्रॉसिंग अगर आप क्रॉस करो, ज्यादातर पे ओवर ब्रिज बन गए, बट कहीं कहीं ऐसा है कि आपको पानी से ही निकालने पड़ेंगे, और गम्बूट्स के अंदर भी बर्फ पिघल गए कई बार, जैसे दोपहर में ना नालियां बन जा पानी की, वो क्रॉस करनी पड़े हमारे यही बन जा बारिश से बन जा। सॉक्स में जैसे ही पानी गया आप ट्राई करो निकाल के, नहीं तो वो जैसे स्किन हो जाती है ना आपकी अजीब सी वैसी हो जाएगी, और अगर आप अनकंफर्टेबल हो राइड पे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो अपने अंडरगारमेंट्स ज्यादा रखें, सॉक्स ज्यादा रखें, ऊपर पहनने के रेनकोट वगैरह ज्यादा रखें, राइडिंग जैकेट अच्छी ले। अंदर तो आप सेम कपड़ा भी आप कितने भी दिन पहन लो उसका फैशन ना करें, वो मत बैग में भरें। ये बैग भी इतना बड़ा है ना, मैं इसको इतना करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आने और जाने के लिए ज्यादा कपड़े लाया था, और मैं तो अभी भी पता नहीं कब से यही पहनने पहले दिन से फर्स्ट डे से यही पहन रहा हूँ। बग्गे कोई जैकेट दिए यार, फैमिली हो गएगी, इस पे कपड़े नहीं है नहीं ना कपड़े फैमिली दिलवाएगी, ये पहन के नहीं बना रहे। मेरे कहने का पूरा सार ये था कि हाइजीन पे ही ध्यान दे बस, अपने हाइजीन पर कंफर्ट पे। और ये मैं राइडिंग शूज भी दिखा दे रहा, इनको पहन के लेकिन 2 घंटे के आसपास आपको थोड़ा सा ना यूज टू होना पड़ेगा, नहीं तो बाइक स्टार्ट करते गिर पड़ेगी, क्योंकि नहीं पता चलता ना इसमें ब्रेक कब लग रहे हैं, गियर कब बदले जा रहे, शूज में फील नहीं होता इनमें। लेकिन जो राइडर है उनको आदत पड़ जाती है सब चीजों की। चार्जर आप जितने कम ले जा सके, केबल्स आप जितने कम ले जा सके, गैजेट आप जितने कम ले जा सके उतने ही लेके जाओ, अपनी पॉकेटों को जितना खाली रख सको उतना खाली रखो, तभी आप जर्नी इंजॉय कर पाओगे। और बग्गे ने लगा दिया सारा सामान बैक टू बैक, बग्गे क्या रख लिया, बग्गे भी तो लाया गया था जबरदस्ती रख रहा ना, तो मैं बता रहा मेरे में क्या
क्या रहेगा मेरे में, वो पंचर किट है ये रख ली मैंने, ऑक्सीमीटर आ गया, ये चारों चीज भी इसी में आ गए पर है ना ये तेरे बैग में सबसे, तो ये भी इसमें, ये भी इसी में आ जाएंगे ठीक है। तो सभी आ गया फिर, तो बग गए ना, तो खोल दिया बाबा जी का पिटारा सब, तो मैं तो फैशन कर सकूं फिर, मैं तो फैशन का सामान ले जा सकूं, दवाई भी रख रहा, तो बग गया अगर तेरा बैग गिर गया तो हम तो वहाँ वीरान हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, जितना सामान खरीदता था सारा चला गया। ये एक्स्ट्रा रोप मैं भाइयों का टोल निकाल दिया, टोल इसमें डाल दी तू आराम, भाइयों का टोल कौन रखेगा नु बताओ, टॉवल वगैरह मैं रख लूंगा कोई, क्योंकि मेरे में है नहीं जगह, ये तेरा बैग है ये मेरा, तो हो गया पैक, नहीं रख ले तू, क्या वो मैं जेब में रखता यार, कुछ भी पिछवाड़ा दुखावे, ये छोटे छोटे ऊपर वाले में ही रख दे, ऊपर वाले में ही भाई, अगर ये गिर गया ना ऊपर वाले में, अगर ये ओपन हो गया ना नीचे नीचे चला जाएगा ये, चाहे चेन हो, अगर खुल गया, हाँ इसे बाहर रखना है इसी चीज, इसीलिए तो लोशन खुल गया था, लेकिन कहाँ था, बाहर वाली चेन में, होशियार है चौधरी साहब, ये सामान मैं इसलिए बाहर रख रहा हूँ क्योंकि ये विजिबल रहता है किसके बैग में क्या है, अगर आप इसे छुपा के रख दोगे पता भी नहीं चलने का, कितने यो 50 लीटर का है वैसे, अगर ये पूरा भर गया तो, लेकिन ठस ठस कर मतलब पानी भरेगा तो होगा 50 लीटर, 7-8 किलो का, 7-8 किलो दवाइयाँ हमारे पास, सिर्फ डायमोक्स ही नहीं हमारे पास, सरदर्द बुखार जुखाम वो सारी भी दवाइयाँ लेके चलना चाहिए बैकअप में, ऐसे मुझे तो कभी जरूरत पड़ती नहीं, बट ऐसे कहना नहीं चाहिए यार, अब पड़ेगी अगर, तो रूम से मैक्सिमम चीजें हम ले गए, चेक आउट टाइम, ये मुझे वाटर बैग लेना है, तो बस अब जिसका इंतजार था वो पल आ गया, अब राइड जो है वो बिगिन होने वाली है, पर हो नहीं पाने की, पता क्यों, क्यों मेरी है क्या इसके बिना ये रह जाएगा, तेरे पे तो किसी भी चीज की जिम्मेदारी छोड़नी बेकार है, मेरा भरोसा नहीं है ना, सही हुआ इस राइड से पहले बता दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कुछ ना, का रिस्पॉन्स दे कुछ, पर इसके पीछे तू ही बैठा, अब देख ली, बैग हर्ष बैग, तुम्हारे कौन कौन से बैग है, एक ही है ना मेरा दो, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार राइडिंग गियर बड़ा कूल लगे, मैं नॉर्मल में भी यही पहनना शुरू, जब ही तो इतनी स्नैप पे स्नैप डाल रखी सुबह से, तन्ने ऐसा कर दिया लोगों को, यूं कर पहलम पहलम सी, भाई मैंने तो पहली बार ही पहना, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे बांध के चलोगे अक्षित, पैर कहां है, हां यार वही तो पैर नहीं आने की, अगर तुमने बैग यहां बांध दिया इसको टांगना ही पड़ेगा, नहीं आ जाएंगे, अरे पैर वहां आ गए भाई, पैर वहां, तू लगी बताइए वहाँ चले जाए, खत्म ऐसे जाके यहाँ आते हैं बग्गे, इनका पागल बना के इन्हें पहले भेज के फिर किया से निकलेगा, साइड में गाड़ी से जा रहे गाने बजाते बाइक पे छोड़ गए, दोनों बैग हम इधर ही टांगेंगे ना, तुम्हारी बाइक पर ओवरलोड नहीं हो जाएगा, कैसा दो ही हमारे टांगेंगे, दो तुम्हारे, अच्छा चार हैं क्या भाई, सेल्फ अवेयर है पूरा भाई, आपकी नॉलेज तो कमाल है, तो अच्छा चार हैं, बंजी रोप का काम अब आया है, दोनों तरफ हमने ट्राई किया कि दोनों तरफ जो बैग हो उनका वेट एकदम सेम हो, ऐसा बांध दिया, वाजी वाह, लो अब यो कहीं नहीं, खींचे एक उधर आ गए पसीने आ गए मुझे, वो गियर पहन के खड़े तो हो गए थे बाबलू की तरह, एक बाइक तो रेडी हो गई ये वाली, ये बालियान का बैग, ये हर्ष का बैग, ये तो खैर अभी अक्षित की जैकेट है, दूसरी वाली में अभी अक्षित का बैग लगा रहे हैं, इधर मेरा बैग, और इनमें ये कैन भी लग गई एक्स्ट्रा पेट्रोल की, और बस वी आर गुड टू गो, एक वीडियो अपलोड करने के बाद 10-15 मिनट जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे तब एक बार ब्रेक ले लेंगे, उसमें ही हम वीडियो अपलोड कर देंगे, और उसके बाद कहना सीधा गाँव आओ भाई अक्षित, ये लोग बस अभी ब्रेकफास्ट करने लग रहे, वैसे तो लंच ही हो गया, और लंच करने के बाद ये भी निकल रहे हमारे साथ अपनी बाइक पे, चले भाई चलो, सारा सामान ले लिया, हाँ ये यही रास्ते में गिरा दिया था तूने, मैं तो यार संन्यास ले रहा, सही बता रहा मैं खुद से इरिटेट हो गया, मैं तेरे पीछे चल रहा था कि मैं देख लिया इसमें से गिरता हुआ, चलो ये मैंने बहुत एक्साइटमेंट में पहन तो लिया, लेकिन पीछे बैठते हुए बड़ी तकलीफ देगा ये, और बालियान जिद पड़ने वाला आदमी है, अगर उसने ठान ली ना ड्राइविंग करनी है तो वही करता रहेगा, चाहे 10 निकलते रहे उसके पीछे से, तो अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी इधर, और लक्ष्य और अक्षित की बाइक उधर है, हम लोगों ने आगे चलाने वाले ताकि होने का ब्लेम हमारे पे ना आए, तो अभी ऑल सेट, एक्साइटेड, टू एक्साइटेड, पहली बार लाइफ में एक्साइटेड हूँ, ये वाला जिसमें लगूंगा लेह लद्दाख फतेह करके आना, या ये रास्ता सोलांग वैली जाने वाला भी है, इसीलिए यहाँ पर नीचे शॉप भी जो सोलांग वैली में ड्रेसेस मिलती है उनकी, लेकिन अब सोलांग वैली पूरी सूख चुकी तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं शार्प कट मार के गया।
तो अभी हमने सोलांग वैली में एक ब्रेक लिया, मतलब ब्रेक नहीं है बट ड्राइवर्स एक्सचेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं अभी इस पर गोप्रो लगाऊंगा और यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर अटल टनल है, हमें देखता है ग्रोपो GoPro. और यार अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इससे ज्यादा एंजॉय मैंने आज तक तो कुछ नहीं किया शायद। कहीं फिर मैंने एक चीज कही थी, कोई से ने लिया लिप बाम का क्या करे बग्गे, होंठ ऐसे फटेंगे ना, तो तुझे क्या काम है होंठो का, इसके होंठ के किसी चिंता है तो बता। चेक माइक चेक, तुम्हारी मम्मी के लिए माइक चेक कर लिया मैंने, माथा रोटी पूरी कर, माइक वगैरह सब चेक हो गया GoPro का, और तब मस्त दिख रही है इसमें, मैं जो देख पा रहा हूँ अभी आवाज नहीं आ रही होगी, और इसका तार मैं जो हूँ अंदर कर दूंगा। इट्स गो टाइम नाउ, बालियान हट जा मेरे रास्ते में मत आ। कम से कम हमें 5-10 मिनट तो हो गई होगी हमें इसके अंदर चलाते हुए, तो अटल टनल अभी खत्म हो गया, बहुत ज्यादा लंबी टनल है ये, मतलब मैंने इससे पहले इतनी ज्यादा लंबी टनल के अंदर कभी चलाया नहीं कोई वाहन। तो हम लोगों ने जस्ट अभी अटल टनल पार किया, वैसे तो मन था नहीं यार कि रुके, क्योंकि ऐसा लग रहा था वरना भी नॉर्मल लोग तो नहीं रुक रहे, लेकिन फिर पता चला नहीं टैंक लोग ही रुक रहे हैं। ये रहा अपने पीछे अटल टनल, ये पूरा पहाड़ के थ्रू बनाया हुआ है, इस वाले पहाड़ के थ्रू, वरना मुझे लग रहा था कि पता नहीं किस तरह का टनल है यार, मुझे आइडिया नहीं था आने से पहले कि ये पहाड़ के थ्रू बना रखा है। लेकिन टनल के अंदर तो भाई ऑक्सीजन पार्टिकल सबकी कमी थी, कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब बहुत ही विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। और इसके पास जो व्यू है टनल देखने की एक्साइटमेंट में हमने कई बार तो ब्रेक मारे कि अब GoPro ऑन करना, अब ऑफ करना, अब GoPro की बैटरी लगानी, लेकिन अब अटल टनल से जैसे ही अब हम निकले, अब हम लेंगे बहुत ही लंबा ब्रेक जाके कहीं, मतलब बहुत ही लंबे रूट के बाद छोटा सा ब्रेक, लंबा ब्रेक नहीं, लेकिन कम से कम 10 किलोमीटर की वो होगी लेंथ टनल की ना। ये 2 किलोमीटर क्या कहलाया, 2 हमने नाप दिया 2 किलोमीटर, तो मगर सबसे पहले वो साइंस पढ़े, वहाँ पे बहुत सारे साइन आ रहे थे ना, 50 मीटर इधर 450 मीटर, 450 मीटर की है टनल, फिर बाद में पता चला वो एग्जिट के साइन है वहाँ पे, लेकिन टनल यूं ही है, मजा आ गया। अच्छा अभी हम 20 किलोमीटर है ना ऑलमोस्ट, थकान हल्की हल्की तो हो रही है, हल्के से तो फट रहे हैं, वो बच जा।